हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस के अंदर देयर आर आल्सो द फोर टाइप्स ऑफ टेंसेस, दैट इज द सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड देन इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एज लाइक द पास्ट एंड द प्रेजेंट टेंस। ओके, तो द फर्स्ट टाइप इज द सिंपल सब टाइप, मीन्स जो फ्यूचर इज द मेन टाइप ऑफ द टेंसेस, एंड इट्स फ्यूचर की जो सब टाइप है दैट इज द सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आपको पता होगा कि वट इज द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स दैट विल गो इन द फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, दैट इज द फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर इस तरह से होता है, कोई काम जो आपका अभी शुरू हो रहा है लेकिन फ्यूचर में जाके एंड होगा, दैट इज द फ्यूचर टेंस। जहाँ फ्यूचर टेंस में हम किसके बारे में बात करते हैं, अंडर फ्यूचर टेंस वी विल टॉक अबाउट द उन चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे जो, जैसे हम मैं के कोई बात कर रही हूँ और अभी ही मैं डिसीजन ले लूँगी कि हाँ आई विल डू दैट वर्क, मैं वो वाला काम मैं करूँगी, तो दैट इज़ द, मैंने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही वो वाला डिसीजन ले लिया है कि मैं उसी टाइम पे ये बात करूँगी कि मैं ही वो वाला काम करूँगी। जैसे आपको कभी किसी इंस्टीट्यूशन में होंगे, घर में होंगे, कोई फंक्शन है तो आपको ड्यूटीज़ अलॉट कर रहे होते हैं, जैसे आप अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ मैं ये वाला काम करूँगी, मैं ये वाला, किसी की मैरिज है आपके घर में तो आप बोलते हो ना कि हाँ मैं कार्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैं करूंगी, ठीक है मैं कर लूंगी वो वाला काम, तो दैट इज ऑल्सो द, आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यू आर टेकिंग द डिसीजन, तो दिस इज ऑल्सो द फ्यूचर टेंस। अब कोई काम है जिसके बारे में आप ऐसे बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं कल वहां जाऊंगा, ठीक है मैं क्या करूंगा वहां पे जाऊंगा, दिस इज ऑल्सो द फ्यूचर टेंस। अब कोई काम जो बिगनिंग में पहले जो था वो शुरू हुआ था लेकिन जो आपका फ्यूचर में क्या होगा, खत्म होगा, आप बोलोगे कि हाँ मैंने अभी ये पढ़ाई 2 घंटे क्या किया, मैंने अभी ये शुरू किया पढ़ना लेकिन मैं इसको 2 घंटे बाद तक ये वाला काम करूंगा, 2 घंटे आगे तक करूंगा, तो दैट इज द फ्यूचर टेंस, क्योंकि बिकॉज यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क इन द प्रेजेंट बट यूर वर्क विल बी फिनिश्ड इन द फ्यूचर टेंस, दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर टेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट वट इज द रूल ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस, दिस इज द रूल सब्जेक्ट विल शल ऑब्जेक्ट, दिस इज द रूल ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आप देखेंगे कि टुडे वी आर यूजिंग ओनली द विल, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ विल को यूज़ कर रहे हैं, शेल को हमने प्रॉपरली ही रिमूव कर दिया है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जो आई और वी के साथ शेल यूज़ करते थे, बाकी सबके साथ हम विल यूज़ करते, आई वी हो गया, यू हो गया, इन सबके साथ हम शेल यूज़ करते थे, लेकिन आजकल हम क्या है, इन द मॉडर्न लैंग्वेज में वी आर यूजिंग द ओनली विल, हम विल को ही यूज़ करते हैं, शेल तो हमने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया, जबकि हमारी बुक्स में भी शेल जो है उसका यूज़ बहुत कम आता है, विल इज़ द मोर पोलाइट देन द शेल। ओके, तो अब आप सभी सब्जेक्ट के साथ जो है, दैट इज़ द आई, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ यू विल यूज़ द ओनली विल। ओके, आप ओनली विल का, इसमें किस तरह से सेंटेंस आएंगे कि मैं वो काम करूंगी, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, एंड में गा गा के आवाज आएगी ना, तो दैट इज द फ्यूचर टेंस। ओके, अब मैं एक सेंटेंस बना के बताती हूँ, आप बोलते हैं आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट में जाऊंगी, ठीक है मैं मार्केट जाऊंगी, मे बी आगे आप बोल सकते हैं आफ्टर द 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर्स, तो उसके बाद दिस वन इज योर फ्यूचर टेंस। जैसे
ही विल गिव मी परमिशन फॉर दिस वर्क. वो मुझे क्या करेंगे, वह मुझे परमिशन दे देंगे इस काम के लिए. मे बी आप जैसे पिकनिक ही जा रही है, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं मे आई गो टू द पिकनिक, क्या मैं पिकनिक जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ पिकनिक में. तो आपकी फिर आगे आप किसी और से बात करें तो आप बोल सकते हो माई पेरेंट्स विल गिव मी द परमिशन फॉर गोइंग टू द पिकनिक. पिकनिक जाने के लिए वो मुझे क्या कर सकते हैं, परमिशन दे देंगे. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द फ्यूचर में होगा कि वो देंगे कि नहीं देंगे. जैसे मैं ये खाना, मैं कल ये काम करूंगी, दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर. जो आपका प्रेजेंट को छोड़ के, जो भी आपका पास्ट हो गया, जो प्रेजेंट को छोड़ के पीछे वाला है, दैट इज द पास्ट. और फ्यूचर होता है जो प्रेजेंट में चल रहा है, और प्रेजेंट को छोड़ के आगे जो फ्यूचर में होगा, जो भविष्य में होगा, दैट इज द फ्यूचर टेंस. ठीक है, अब आप इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं. विल आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊंगा. ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स या कुछ भी आगे भी लिख सकते हो, क्या मैं 2 घंटे के बाद मार्केट जाऊंगा, दिस इज द क्वेश्चन मार्क. जैसे आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा. ठीक है, 2 घंटे के बाद मैं जो है वो मार्केट नहीं जाऊंगा. ठीक है, आप कई बार बोलते हैं ना, अगर आपको अभी जाना है तो चलिए, अदरवाइज मैं उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो द फ्यूचर टेंस, नेगेटिव हो गया ये. अब विल आई नॉट गो, आगे टू द मार्केट सेम रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ 4 जो सेंटेंसेस हैं वो हैं अंडर द सिंपल फ्यूचर टेंस. द फर्स्ट वन इज द सिंपल टेंस. जो सिंपल रहता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, दैट इज द इंटरोगेटिव वन, बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज देयर. एंड द थर्ड वन इज द इंटरोगेटिव नेगेटिव. नो, this is not the interrogative negative, only negative sentence, okay? And this is the interrogative negative sentence, because आपने जो helping verb है उसको बाहर लगाया, और उसके बाद आप बीच में क्या कर रहे हैं, not be लगा रहे हैं. तो this is the interrogative and negative sentence. तो these are the 4 types of sentences under the simple future tense. I hope you all understand. तो ये सब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लर्न व्हाट इज द रूल ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस, सो दैट यू कैन मेक द, यू कैन फ्रेम आर अरेंज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन द फ्यूचर सिंपल टेंस. आप तभी ही प्रॉपर अरेंजमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप विल कहीं आगे लिखेंगे, वर्ब कहीं आगे लिखेंगे. तो इट इज वेरी मस्ट टू नो द रूल ऑफ द टेंसेस. ओके, तो दिस इज द रूल ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस, एंड दीज आर द 4 सब टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेज अंडर द सिंपल फ्यूचर टेंस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइज. ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.